हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर मेकर केंद्र में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का सही आंसर करते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद में समानता और अधिकार का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 6, ऑप्शन दिया हुआ है 3, 5, 4। तो फ्रेंड्स, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। भारत के संविधान में अनुच्छेद में समानता के अधिकार का 5 उल्लेख किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु बल का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन बर्डिन, सी एच टाउन्स, अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस, हिदेकी इकावा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिदेकी इकावा। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर 1526 ईस्वी में भारत पर बाबर के सफल आक्रमण ने डैश डैश के शासन को समाप्त कर दिया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है खिलजी वंश, सैयद वंश, मामलुक वंश, लोदी वंश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में की थी? यहाँ पर थोड़ा सा टाइप गलत हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14वीं शताब्दी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है? तेलंगाना, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य है, ये भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। श्री गुरु गोविंद जी मंदिर और सेक्टर टीला दिए गए राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मणिपुर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। जो मणिपुर है, यहीं पर श्री गोविंद जी मंदिर और सेक्टर टीला इसी राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन से मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आगरा, दौलताबाद, अहमदाबाद, लाहौर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दौलताबाद। चलिए अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? केंद्रक को, लाइसोसोम को, सूत्रकणिका को, गाल्जी समृष को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइसोसोम को। इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संरचना है? विशाल स्नानागार, विशाल सभागार, विशाल उद्यान, विशाल स्टेडियम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। जो हड़प्पा सभ्यता की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संरचना है, वह विशाल स्नानागार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन से भाजा में कितनी शैलकृतित रॉक कट गुफाएं है? 30, 22, 16, 34। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22। भाजा में 22 शैलकृति गुफाएं हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन से कौन सा दिल्ली सुल्तान दूसरा सिकंदर बनना चाहता था? इल्तुतमिश, ग्यासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है यह दिल्ली का दूसरा सिकंदर बनना चाहता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन से सिंधु घाटी सभ्यता के किस शिल्प पर विशाल धान्यागार पाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लोथल स्थल, मोहनजोद्रो स्थल, बनावली स्थल, कालीबंग स्थल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोद्रो स्थल। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ भारत की किस झील में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उमियाम,
सिलोई संगेस्तर लोकतक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर लोकतक हो जाएगा, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, तापी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, 11, 10, 12, 13। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11। यहाँ पर अगला क्वेश्चन से कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है, रेयान, डेक्रान, रेशा, कांच, नायलॉन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रियान। यहाँ पर अगला क्वेश्चन से विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है वोल्ट से, एम्पियर में, ओम में, कुलाम में। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इन चारों में से करेक्ट आंसर है ओम। जो विद्युत प्रतिरोध है उसको ओम में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन से टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित विद्युत ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन से भारी जल का अनुभार है 20, 18, 40, 34। यहाँ पर ऑप्शन चार दिया हुआ है, तो इन चारों में से मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इन चारों में से ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर है। जो भारी जल है इसमें 20 अनुभार होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडा वाटर क्या है, एक निलंबन, एक परिक्षेपण, एक कोलाइड, एक विलयन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक कोलाइड। चलिए अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भविष्य का ईंधन कौन सा है, इथेनॉल, हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन से लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमितकार, उभयावतल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार। लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार। अब हमारा अगला क्वेश्चन से स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर, मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर नाम था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे इस चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही सटीक रूप से कराई जाती है, तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।